जैसे एक माँ है, उसका बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है, सामने वाले पड़ोसी का बच्चा भी गलत कार्य कर रहा है, तो किसमें तमाचा मार सकती है, सामने वाले के बच्चे को कि अपने को? अपने, क्योंकि ये अपना है। पड़ोसी को मारोगे तो झगड़ा हो जाएगा। वैसे ही भगवान ये दुख रूपी जो तमाचा थप्पड़ मारते हैं, इसलिए कि अब सुधर जाओ, अब और पाप मत करना। तो भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। एक राजा थे, शिकार खेलने के लिए गए, शिकार खेलते खेलते थोड़ी सी उंगली कट गई, तो राजा चिल्लाते, अरे वैद्य को बुलाओ, औषधियां लाओ, ये करो वो करो। मंत्री कहता है, महाराज शांत रहिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा कहते, मतलब मेरा अंगूठा कट गया है अच्छे के लिए हुआ? जाओ मंत्री को रात भर कोड़े मारना, सुबह होते ही फांसी पे चढ़ा देना, जो अपना महाराज का ना हो सका वो और किसी का क्या होगा? मेरा अंगूठा कटा अच्छे के लिए हुआ। अब मंत्री को पकड़ के ले जाते हैं, रात भर कोड़े मारे। अब महाराज जंगल में अकेले बचते हैं। अब वहीं पर कुछ आदिवासी रहते थे, तो उनको बलि चढ़ानी थी। अब वो बलि चढ़ाने के लिए व्यक्ति ढूंढ रहे थे, तो कोई नहीं मिलता है, वो राजा मिलते हैं। वो राजा को पकड़ के ले जाते हैं, बलि चढ़ाने लगते हैं। बलि चढ़ाने ही वाले होते हैं कि एक आदिवासी कहता है, रुको, ये अपवित्र है, इसके अंगूठे से रक्त बह रहा है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ दो। तो उनको छोड़ देते हैं। अब वो राजा को बात याद आती है कि मंत्री ने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। अब राजा दौड़ते भागते जा रहे हैं कि मंत्री को फांसी ना लग जाए, और मंत्री को फांसी लगने ही वाली थी कि महाराज कहते, रुको रुको, मंत्री तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोले, महाराज शांत रहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा कहते, तुम अभी भी कह रहे हो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? अरे मैं नहीं आता समय से तो तुम्हें फांसी लग जाती, मेरी बलि चढ़ी, ये हुआ वो हुआ। मंत्री कहते, महाराज शांत रहिए, ये भी जरूरी था। बोले, क्यों जरूरी था? बोले, हो सकता आपका अंगूठा नहीं कटता और मैं आपसे ये नहीं कहता कि महाराज शांत रहो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो शायद मैं आपके साथ होता तो आदिवासी आपको तो छोड़ देते, क्योंकि आपका अंगूठा कटा था और मेरी बलि चढ़ा देते, तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भगवान सुख दे दुख दे, प्रसाद समझ के ग्रहण करें।